कि मैं समाज हूँ दुख होता है मुझे, कि मैं समाज हूँ दुख होता है मुझे, मासूमों की आबरू को अखबारों में सिमटता देख, कि मैं समाज हूँ दुख होता है मुझे, मासूमों की आबरू को अखबारों में सिमटता देख, मैं समाज हूँ दुख होता है मुझे, घर की लक्ष्मियों को सड़कों पर बिखरता देख, कि मैं समाज हूँ, मैं समाज हूँ दुख होता है मुझे, नन्ही परियों को भेड़ियों के आगोश में तड़पता देख, मैं समाज हूँ कोकिल सी चहकन को चीखों सा गरजता देख, हाँ दुख होता है मुझे, क्या करूँ, मैं समाज हूँ ना, दुख होना तो लाजमी है, मैं समाज हूँ, पर मुझे दुख हो रहा है इसका लिहाज किसे है, मुझे दुख हो रहा है इसका लिहाज किसे है, कितनी जिंदगी तबाह हो रही पर लाज किसे है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है उन आदमखोर दरिंदों को, तो फिर क्या फर्क पड़ता है उन आदमखोर दरिंदों को जो कतर के सीधा निगल जाते हैं इन नादान परिंदों को, तो फिर क्या फर्क पड़ता है उन आवारों की गलियों को, तो फिर क्या फर्क पड़ता है उन आवारों की गलियों को जो राह चलते मसलते नाजुक सी कलियों को, बताओ मुझे क्या वो लड़की कभी खुश रह पाएगी टांग झांक के खेलों में, कि बताओ मुझे क्या वो लड़की कभी खुश रह पाएगी टांग झांक के खेलों में, या फिर खिलौना बन जाएगी इन मंजनों के मेलों में, क्या वो औरत भी महफूज रही है ससुराल की शरणों में, क्या वो औरत भी महफूज रही है ससुराल की शरणों में, अरे जहां लक्ष्मण ही शामिल है सीताओं के हरणों में, क्या मुझमें ही विहीन मुझमें ही शर्मिंदा हो तुम, क्या मुझमें ही विहीन मुझमें ही शर्मिंदा हो तुम, ऐ मर्दजात तुम मर गए या मुझमें अभी जिंदा हो तुम, कि क्या मुझमें ही विहीन मुझमें ही शर्मिंदा हो तुम, ऐ मर्दजात तुम मर गए या मुझमें अभी जिंदा हो, कि अब तो अस्तित्व पर ही सवाल आया है, तो अस्तित्व पर सवाल कुछ युगों पहले भी आया था, जब द्रौपदी को 5 पांडवों ने चौसर में हार गए थे और उसकी लाज बचाने के लिए उसके भाई स्वयं पार्थ श्री कृष्ण को आना पड़ा था, और अब जब सवाल इतना ठोस उठा है अस्तित्व पर तो जवाब भी उतना ही बुलंद होना चाहिए, तो उस महाबली भीम ने भी कसम खाई थी कि ए द्रौपदी तेरी प्रतिज्ञा मैं पूरी करूंगा, द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी कि इस दुशासन ने मुझे मेरे केश पकड़ के सभा में खींचा है, जब तक इसके रक्त से नहीं धो लेती मैं तब तक मैं अपने केश नहीं बांधूंगी, तो अब जवाब सुनिएगा कि क्या मुझमें ही विहीन क्या मुझमें ही शर्मिंदा हो तुम, ए मर्दजात तुम मर गए मुझमें अभी जिंदा हो, कि अब अगर तुम जिंदा हो तो उसका स्वयं प्रमाण बनो, कि अब अगर तुम जिंदा हो तो उसका स्वयं प्रमाण बनो, युधिष्ठिर नहीं तुम कृष्ण बनो, द्रौपदी के अभिमान बनो, कि दुशासनी हर छाती को जब जब भीम कोई चीरेगा लहू की धार से द्रौपदी के केश कोई सींचेगा, धरा धरा के हर कोने में नारी को तब सम्मान मिलेगा, उस महाबली भीम को भी तभी गौरव गान मिलेगा, ये युगों युगों की गाथा है, ये युगों युगों की गाथा है, और मैं साथ सुनाने आया हूँ, तुम में विहीन है जो पुरुषत्व मैं उसकी लौ जगाने आया हूँ, तुम में विहीन है जो पुरुषत्व मैं उसकी लौ जगाने आया हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।